और कैसे हो सारे भाई लोग। कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है इस व्लॉग में, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और मुझे काफ़ी दोस्तों ने बोला कि देखा भाई जयपुर की शादी, शादी का जितना व्लॉग बना सकता है बना। तो भाई ये लो टिपिकल जयपुर शादी व्लॉग, चलिए शुरू करते हैं। अरे नहीं, वो तो टेक्निकल गुरुजी हो गया। सो लेट्स बिगिन। चलो अपन चलते हैं। काफ़ी बढ़िया। पूल साइड किधर है? उस साइड है ना, चलते हैं। दिव्यांशु कैसा है? बढ़िया, सब बढ़िया। कैसा लगा तुझे सामूत? अच्छी जगह है, मैं पहले भी आ चुका हूँ। अच्छा है ना? अच्छा लगा। सिटिंग आते ही खाना चालू। रूम काफ़ी बढ़िया है लेकिन, क्यों दिव्यांशु? ये चीज़ काफ़ी अच्छी है ना, ऊपर कैनोपी टाइप बना रखा है। ये क्या, ये पूरा एसी के लिए दे रखा है, मस्त वेंट। छोटी सी खिड़कियाँ टाइप भी हैं, विच आई डोंट थिंक दे ओपन होती है, पर करना एक बार हो गई। अच्छे कैसा है? अच्छा पीछे पूरा ओपन है, वाह। कारपेट कितना अच्छा है, बाकी वेरी नाइस। केस दे रखा है, कुछ रखना हो। दो चार चार पैकेट आने चाहिए इधर। एक विंडो है, बाकी ये बैठने का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ये देख भाई, इस पे बैठ गए तो अच्छा, लगेज के लिए है बस, है ना। बाकी इधर है ये कॉफी टी जो भी ये है। बाकी ये है बाथरूम। एंड इधर तो क्या है, तूने एक चीज नोटिस करी? कि मतलब जैसे होटल में तो क्या है, पूरे टिपिकल वैसे ही रूम्स होंगे, ऐसी सीलिंग्स नहीं होंगी। लेकिन जो हेरिटेज प्रॉपर्टी होगी उसमें ऐसी सीलिंग्स होंगी पुरानी। और एक ये पीछे देख, पीछे रॉ एकदम, मतलब पेड़ वेड़ है, काफी बढ़िया हेरिटेज में मिलेगा। मैं तो काफी सही लगा। है ना सॉरी, कैसा लगा तुझे होटल? बढ़िया है ना? हाँ ठीक ठाक। या मस्त मस्त। तो ये है रात का सीन, काफी सही लाइटिंग वगैरह है। और उधर है पूल, उधर सामने वो स्टेयर्स वगैरह दिख रही हैं, तो अभी चलते हैं पूल दिखाते हैं। तो ये है एंट्रेंस पूल का। अरे पूल भी सजा दिया, तो अभी अपस्टेयर जाएंगे। फ्रंट में ही है ना? हाँ पहुँच जाएंगे टाइम। नाइस, वेरी नाइस, वाओ। अभी कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है। हाँ। तो चलते हैं थोड़ा, कितना ज़्यादा डीप तो होगा नहीं। ये सिटिंग का है, अंदर तक है पूरा एरिया, है ना? अंदर तक। और ये आगे तक इधर एरिया बना हुआ है। काफ़ी सही है इधर बैठने के लिए, काफ़ी सही है। मेरा पूल ज़्यादा डीप नहीं लग रहा। तो उधर से कंटिन्यू करने के बाद ये है सिटिंग स्पेस। वैसे तो फ्लैश होने, तो ये छोटा स्विमिंग पूल है। हाँ, ये बच्चों के लिए लग रहा है, काफ़ी छोटा सा है। बाकी ये पूरा एरिया है काफ़ी अच्छा बना रखा है यार, है ना। उधर बड़ा स्विमिंग पूल है, इधर छोटा है। तो ये एरिया है पूल के एकदम सामने, चला जाते काफ़ी सही पूरा सिटिंग। अभी तो खैर शादी वादी है तो लाइटिंग अच्छी कर रखी है। बाकी वेरी नाइस प्लेस टू सिट, सामने का भी बहुत सही लग रहा है। अच्छा है, मेन गार्डन है जहाँ हो रही है शादी। ये अंदर पता नहीं क्या है, वैसे भी अपन एक्सप्लोर तो कर ही रहे हैं, ऐसे रास्ते बने हुए हैं। अच्छा नीचे चल, लेट्स गो। ऐसे पूरा वैसे फोर्ट टाइप नहीं बना रखा है, ये ऐसे विंडोज टाइप बनी हुई है। ये तो सही बना रखा है ना बीच में, सीटिंग के लिए बढ़िया है। और बिलियर्ड्स की टेबल भी है शायद, ये स्नूकर टेबल है, पूल टेबल जो भी बोलो। देखते हैं क्या कवर है अभी तो, बट पूरा वो एट बॉल पूल लग रहा है, सिक्स होल्स एट बॉल पूल है पूरा। सीटिंग के लिए बढ़िया, काफ़ी अच्छा बना रखा है। रेडी हो गए? एक सेकेंड, लैम्प्स कितने सही हैं।
ऑन, क्या सही लग रहा है लैंप के साथ। बाकी बाहर जो दिखा रहा था दिस दिस लालटेन सब जगह काफी सही, काफी सही सीन। काजू भाई साहब सो रहे हैं, राइज एंड शाइन शौर्य, गर्म पानी पी रहे हैं, ब्रश कर लेता पहले तो। ये है कॉम्प्लीमेंटेड टूथ ब्रश और पेस्ट। ये स्लीपर्स ये मैंने ही मंगा लिए, कंफर्टेबल है क्या? हाँ। तो मैंने अभी ऑर्डर कर दिए भैया, एक स्लीपर्स चार पांच दे दे तो चार पांच घर ले जाऊंगा, है ना। चलते हैं हम ब्रश करते हैं। मेरा ब्लॉग बना रहा है क्या? मॉर्निंग टी, और तू क्या कर रहा है? मॉर्निंग पानी Water. चलो पियो पियो। चलो अब निकलते हैं कहीं बाहर, ठीक है बाहर निकलते हैं। अब ब्रश कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रश और टूथपेस्ट के साथ स्लीपर्स मंगाई है, देखते हैं कितनी देर में आएगा। चलें बाहर से घूम के आते हैं। थैंक यू। तो भाई ये आ गए, कंफर्टेबल है तेरी? या। लूट के मंजे में धार कौन देखते। और दिव्यांशु राइज एंड शाइन गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं बाहर देख के आते हैं। देख शौर्य कहाँ गया है, ये पीछे वाला एरिया है ना जो, इसमें देख उधर से भी लॉक है, मतलब दीवार है इधर भी लॉक है और ये लॉक है बाहर से। शौर्य गया यहाँ, कैसा है पॉसिबल? रात को यार मैं खाने का शूट ही नहीं कर पाया कुछ, बट खाना कैसा था? खाना अच्छा था, बहुत टेस्ट अच्छा था खाने का। और सबसे बेटर मुझे लगा पुडिंग्स में, आइसक्रीम्स में। आइसक्रीम फर्स्ट ऑफ ऑल होममेड थी, अच्छा जो देखने को नहीं मिलती। और दिन के खाने में भी जो दिन का खाना था उसमें है ना मैंगो आइसक्रीम थी, बहुत सही थी, बहुत सही थी वो। बाकी अच्छा था ना खाना? हाँ, बहुत अच्छा, काफी अच्छा खाना। और आइसक्रीम में सबसे मैंने जो सबसे पहली चीज नोटिस करी, पहली बार मैंने देखा आइसक्रीम में गुड़ मिला रखा था। तो अपन चलते हैं अभी रूम में, बाल हो रहे हैं एकदम झाड़ू जैसे, तो रूम में चलते हैं और उधर बनाते हैं कॉफी या चाय जो भी है ना, कि बाहर ये बैठने के लिए बना रखे हैं टेबल और ऐसे बढ़िया एकदम। चलते हैं अपन अपनी टी या कॉफी बनाते हैं, इधर ही बैठते हैं फिर। मुझे तो बहुत पसंद है, एक टाइम पे जब मैं बीकानेर रहता था तो मिल्क पाउडर खरीद के लाता था अलग से खाने के लिए, बता रहा मत किसी को। अब ब्लॉग ही बन रहा है। अब इसमें डालते हैं कॉफी। कॉफी क्या अपन टी पी रहे हैं? ये असम टी है। असम टी तो दूध में बन जाती है, दूध और टी मिक्स। तो हाँ बना लो, टी बैग डाल के। हाँ ऐसी तो बनती है, और कैसे बनती है? नहीं कुछ लोग डायरेक्ट पीते हैं ना पानी, और सिर्फ नहीं भारतीय लोग, तो भारतीय लोग अपन के साथ दूध के साथ ही पीते हैं। मैं ना हमेशा प्रेफर करूंगा टी ओवर कॉफी। बहुत बढ़िया, काफी काफी सही टी एसेंस वो आई थी शैम्पू में, बट बाकी ओवरऑल सही है। दिखाता हूँ एकदम, एक तो है ना ये सैंडलवुड वाला, ठीक है ये तो स्किन लोशन है कुछ। बाकी शैम्पू दिखाते हैं, ये है हेयर कंडीशनर, ये है शैम्पू, ये रहा, ये इसमें एक है ना वुड एसेंस था, और ये है कंडीशनर, कंडीशनर शावर जेल है, शावर कंडीशनर भी इधर ही होगा पता नहीं। तो बेसिकली शैम्पू थोड़ी वुड एसेंस थी बट बहुत रफ हो गया बाल, सस्ता माल। हाँ सस्ता माल ऐसा ही होता है, इन द सेंस सस्ता माल। खाना ओवरऑल करना चाहिए था वैसे शूट, ओवरऑल मैं अगर 10 में से रेटिंग तो 9 रेटिंग तो बिल्कुल नहीं। सोचो यार करना चाहिए था मतलब शूट है ना खाने का, बट अपन सामूत का बना रहे हैं, शादी का शूट करते हैं खाने का, तो एक रेटिंग तो मिली जाती। फोन आ रहा है, बोला था अभी जस्ट जैसे मैंने फोन उठाया तो एक छोटी बच्ची बोलती कि भैया आप मेरे 12वें पे आ रहे हो ना। किसमें 12वें पे?
मैंने बोला कि ये रॉन्ग नंबर है, तो फिर उसको भी बताया वो प्रैंक कॉल कर रही है होटल के फोन पे, होटल के फोन पे। हद्दे भाई हद्दे। अंकल भी फोटो ले रहे हैं, चल वीडियो में लेते हैं, ट्राई करते हैं, पास ज्यादा पास नहीं जाएंगे। वाह वो बैठो, फ्रंट कैमरा से तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, खा रहे कुछ। ये पता है मोर नहीं है, मोर नहीं है, फीमेल है, देख सर पे देख, है ना, छोटा सा वो है, मोर ब्राउन कलर का होता है सर पे, जो इसके क्राउन टाइप है ना, जहाँ तक मुझे पता है, फेस से भी दिख रहा है ना, फीमेल है, कितना सही लग रहा है। तो मैं गलत हूँगा, तो ये मेल है, मतलब फीमेल नहीं है, सॉरी गाइस, एस सेड बाय दिव्यांशु, तो मेल है, ठीक है, देखते हैं, बढ़िया लग रहा है वैसे तो काफ़ी यार, लेकिन कुछ खाने आए हैं, भूख लग रही है इसको, देख जब से इधर उधर देख रहा है ना, कुछ खाने की फिराक में, देखते हैं मिल गया तो, कहीं ये मोरनी को तो नहीं ढूंढ रहा, वो भाग गया। हाँ, मेल था ये, मेल था, क्योंकि जो फीमेल होती है वो ब्राउन कलर की होती है, और मेल जो होता है फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए, अब फॉर हमारे लिए ऐसे कहने के लिए, पर वो अपने पंख पूरे खोल देता है। हाँ, और तो कलरफुल होता है मेल, होता है, और फीमेल ब्राउन कलर की होती है, अब मुझे याद है ब्राउन, हाँ ब्राउनिश जो होती है वो फीमेल होती है, बाकी ये था मेल। भाई बहुत ज़्यादा पास आ गए, उधर बैठते हैं धीरे से, ट्राई करते हैं, अपन को ही देख रहा है, अपन को ही देख रहा है, मेरी तो थोड़ी सी फट रही है इस पर बैठने में, छोड़ नहीं बैठ रहे, प्लान कैन। अच्छा एक आगे भी है, कहाँ पर, वोरा 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 वोरा, एक उधर है, ट्रिक वैसे सही थी। अच्छा भाई एथलेटिक बॉडी दिव्यांशु, मैं हूँ भाई मर्जी आदमी, यहाँ सब है लंगूर बंदर मोर, इंसान तो है ही बेसिकली। इंसान सबसे बड़े जानवर होते हैं। और क्या, बाकी यार क्या सही है ना, हाँ मतलब फुल एकदम फील है, मतलब गांव वाला फील भी है और शहर वाला फील भी है, बढ़िया एकदम, और खाना भी अच्छा है, घास टाइप वाला आर्किटेक्चर है ना, आर्किटेक्चर क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो भी डाल रखा है ऊपर, ये बहुत सही लगता है, और सामने रूम्स हैं। सबसे पहले अपन किससे इंटरेक्ट करते हैं, ड्राइवर से, जो अपन को लेने आ रहा है, तो जो जिस भी सिटी में जाओ, अगर आप ऑटो से जा रहे हो, तो मैं तो ये कहूँगा कि ऑटो वाले जो भैया होते हैं उनसे बेस्ट बेटर कोई गाइड नहीं होता सिटी के बारे में। अभी जब मैं लखनऊ भी गया था ना, तो एक भैया थे जो मुझे ड्रॉप करने गए थे, उनसे ही मैंने आधी इन्फॉर्मेशन तो वहीं ले ली। किसी भी सिटी में जा रहे हो तो लोकल से इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे सब जगह लगा रखे हैं ना प्लेट, चलते हैं झूले की तरफ, घूमा हुआ है पूरा, काफ़ी मोटी रस्सी है, वेट तो ले ही लेगा भाई, टूट गया तो टूटेगा तो नहीं, नहीं नेचुरल झूला भाई। मैंने ना ट्रोल्स के मतलब ऐसे वीडियो भी देखे हैं, करते करते पीछे ही उलट के और गिर जाते हैं लोग। कैसा है, तुझे कैसा लगा? अच्छा है ना छोले भटूरे, और क्या क्या है, और क्या क्या ट्राई किया? और नहीं देखो, अगर आपको हेल्दी फूड खाना है, हाँ हाँ, तो जो आपने प्लेट में लिया है वो बेस्ट है। ये सब ट्राई करते हैं, काफ़ी चीज़ें वैसे तो, बट छोले टेस्ट वाइज अगर आप देखो तो छोले भटूरे, छोले भटूरे अच्छे। वो कौन सा जूस है? पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट। मैंने सोचा उसका है वाटरमेलन, ट्राई करते हैं। छोले भटूरे कैसे हैं यहाँ के? छोले भटूरे चलो, जो कि सबसे बेस्ट इधर चीज़ है। ऑयल भी कम है भटूरे में, ऑयल कम है। ये ओपन किचन टाइप बना रखा है पीछे, ये मतलब अगर यहाँ पर सीटिंग हो ना किसी की, तो उसके लिए टेबल टेनिस भी है इधर, बोरा बहुत दूर लोग खेल रहे हैं। सुबह सुबह का नज़ारा, इधर बहुत अच्छी फोटो आएगी। साइकिल तो ऐसे कौन ही चलाता होगा, है ना, पर देखते हैं एक बार चल के क्या है, क्योंकि वैसे जगह तो काफ़ी बढ़िया है, बट चलाने वाले चलाते हैं। बाकी ये साइकिल्स हैं, अगर अंदर एक्सप्लोर करना हो तो, ये है गेट 3, काफ़ी अच्छी, सारे रेड रोजेस, केवल जीप में ही होता है शायद पीछे, है ना, पेट्रोल के लिए बस। चलो अब फ्लैश ऑन है, चलते हैं। ये किसका मास्क है? ये मैं तुझे ही दे रहा था।
चले आप? हाँ बस चलते। अरे यही मैं ढूंढ रहा था, बेल और ढक्कन पकड़ो उसको।